हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई तेरा चैनल कब से हो गया ये? यार मतलब अपना ही मानता हूँ मैं को। अच्छा ठीक है चलो। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नैनीताल से सीधा एक कर्माक्रम करारा व्लॉग। नैनीताल में पानी है क्या? अभी नैनीताल नहीं आया, अभी रास्ते में है। अच्छा यार बता दिया करो ना, बेइज्जती होती है। सुसु करके आ रहा हूँ। भाई आगे क्या नैनीताल आगे क्या झील कहाँ है? भाई भी रास्ते में है, नैनीताल कहाँ आ गया? मैं तो ऐसे उठा रहा हूँ। सोने दे रहे यार, बस मैं उठा के ले आया। उठा भाई कब आएगा नैनीताल? भाई नैनीताल ही है भाई ये आगे। पहाड़ है तो हाय गाइस, अब तो बताएं, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ नैनीताल आएंगे नाव चला के चले जाएंगे। हम आए काम से, यहाँ चल रहा है कैंडी का शूट और अपने दो दोस्त काम कर रहे हैं इसमें, रोनित और रिचा। उन्होंने बोला आ जाओ सेट पे, आ जाओ यार प्लीज, आ जाओ राजेश। आ गए, आओ दिखाता हूँ तुम्हें, मस्ती कराता हूँ, आ जाओ। यार जला तो है यार, ये लाइट है तो लाइट दिन में क्या जा यार, अपना काम कर यार, बैठ अभी नहीं यार काट देना। लड़ाई रिहर्सल हो रही है, क्लिक बेट के लिए करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी व्यूज चलते हैं यार। रोनित भाई रोनित गला खराब है यार मेरा, आवाज गई नहीं वहाँ तक। Very nice. एक्सीडेंट हो गया क्या? अरे भाई शूट चल रहा है रोनित सर का। क्या बात कर रहा है? रोनित रॉय दोस्त है अपना, अभी तक आता मैं मिलाता हूँ तुझे। अरे भाई क्या बात कर, हाँ बुला था तेरे को, मेरे अभी बात कराता हूँ। मैं जानते अपने को यार। हेलो रोनित सर, पहचाना? अरे सर मैं तुम? हाँ सर मैं, तुम ही तो हो वो। हाँ वही, अरे सर वही वही तुम हो ना? यस वही वही तो हो तुम। हाँ वही बोला था पहचानते मेरे को। हाँ जरा कैमरा नीचे कर। सर 10 मिनट की बात है सर, एक इंटरव्यू दे दो, मेरी नौकरी बच जाएगी सर। अच्छा हाँ सर इंटरव्यू चाहिए? हाँ यस सर प्लीज। लाओ कुर्सी, लाओ इनके लिए कुर्सी दो। तो रोनित भाई, रोनित सर कैसा लग रहा है सर आज इंटरव्यू करके? बस तुम आए हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम वही हो ना? मैं वही हूँ सर, वही वाला। मैंने कहा था सर। तो सर सवालों से शुरू करते हैं। हाँ शुरू करो। ये सर ऐसा सवाल है मतलब देश का हर इंसान जानना चाहता है। सर आप फिल्मों में इतने सीरियस क्यों रहते हैं? मतलब मैंने को जब बोला कि इंटरव्यू करना है, मैं डर गया, मैंने घर पे फोन कर दिया कि मम्मी मैं पता नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा ऐसे मतलब। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। अब क्या मैं ये देवो रगरी में लिखवा रहा हूँ, कॉमेडी लिखवा रहा हूँ इनसे। ऐसा कॉमेडी? हाँ तो फिर आप उस सेट पे भी आना, तो फिर घर पे बोल के आना कि वापस आ रहा हूँ मैं। ठीक है अभी मैं पहुँच जाऊँगा तो उनको यकीन हो जाएगा। यकीन हो जाएगा हाँ। पूरा देश जानना चाहता है, सुनना चाहता है इस बारे में। कुछ बताइए कसौटी जिंदगी के बारे में। जो अच्छा है ना। नहीं मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी कसौटी है सर? अब क्या बताऊँ सर, शक्ल से लग रहा है कि है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं तो सर कैंडी के बारे में बताइए आप सबसे पहले। तो मेरी जिंदगी का ये सबसे चैलेंजिंग शो है एज एन एक्टर। एक तो वेदर है, टेरेन है, फिजिकल चैलेंजेस हैं, इमोशनल चैलेंजेस भी हैं, मेंटल चैलेंजेस भी हैं, पर अभी तक जो वी आर हाफ वे थ्रू द शूट और अभी तक मुझे लग रहा है कि जो हम सोच के निकले थे तो आई थिंक वी आर अचीविंग इट। और शो ओवरऑल शो ऐसा है कि ड्रामा थ्रिलर, थोड़ा बहुत हॉरर है, ड्रामा है, इमोशंस है, तो इट्स क्वाइट अ पैक्ड शो। थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में इस समय नहीं बताना चाहता हूँ, इतना बताऊँगा कि ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और एक हादसा उसकी ज़िंदगी में हुआ है। जयंत पारेख नाम है कैरेक्टर का। जयंत की ज़िंदगी में एक हादसा हुआ जिस वजह से अब वो यहाँ रुद्रकुंड आए हैं और यहाँ जो बच्चों के साथ चल रहा है ड्रग्स वगैरह स्कूल में, तो इट इज़ जयंत पारेख's फाइट अगेंस्ट द ड्रग्स। वही ड्रग कैंडी है, वही ड्रग कैंडी है। सर एक ये तो मतलब मेरा पर्सनल ट्रिविया है, मतलब हर बच्चे की एक बचपन की याद होती है कि उसको जब रिश्तेदारों के सामने नचाया जाता है, तो सर मेरी याद है वो वाले गाने पे, दिल तेरे नाम करता है, अक्खा इंडिया जानता है, अक्खा इंडिया जानता है। मेरे को याद है मेरे घर वाले नचाते थे, बेटा इस गाने में नाच। अच्छा करके दिखाओ। चलो नहीं सर आप नहीं, चलो करके दिखाओ सर। वैसे नाचूंगा जैसे तब नाचूंगा। हाँ। ये अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है चीज है भाई। तो एक लास्ट बात, अब सर हम एक दूसरे को इतना जान ही गए हैं। हाँ। और मेरा सर ऐसा है कि मतलब मेरी जिससे दोस्ती जाती है मैं नहीं भूलता कभी। हाँ, मैं तुमको नहीं भूलूंगा है ना सर। तो लाइफ में कभी भी आपको, हाँ सर, कभी भी आपको लगे किसी भी घड़ी, आप मुझे रात को 2 बजे 3 बजे बोल सकते हो कि भाई मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, मुझे बेटे का रोल करवाना है। हाँ। मैं आ जाऊंगा सर, है ना, मैं आ जाऊंगा। वही हो ना, मैं वही हूँ सर। हाँ मैं पिटने के लिए भी तैयार हूँ फिल्म में। ठीक है बुला तू, चलो ठीक है सर, इसको लेकर जाओ यहाँ से, जाओ मम्मी बुला रही है, मजाक कर रहे हैं सर। बोला था ना, जानते हैं मेरे को यार, यार दोस्त है अपने, हंसी मजाक चलता रहता है अपने। अरे भाई में देख ली बातचीत अपनी, कह रहा था ना मैं, रोहित भाई अपने बड़ी हैं, एक और बड़ी अपना इधर रिचा, अपने तो पता दिल्ली के दिनों से यारी दोस्ती है। अभी वो इधर आई हुई थी तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, आप दफातर फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, राजेश यार नैनीताल आ जा, राजेश यार नैनीताल आ जा। अब तुम्हें पता है कितना बिजी आदमी हूँ मैं, फिर भी यारी दोस्ती के लिए करना पड़ता है। आ गए, मिलाता हूँ तुम्हें भी, मिलाता हूँ। हाँ मिलाता हूँ तुझे, आ जा। मैं जानती हूँ अपनी दोस्त है यार, दिल्ली दिल्ली से बातचीत है अपनी। हेलो हेलो मैम, हेलो रिचा मैम। अरे मेरे को पहचाना नहीं क्या मैम आपने? I'm doing my lines, आप कौन है? मैम मैं सिक्योरिटी। मैम प्लीज मैम 10 मिनट के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू दे दीजिए, नौकरी बच जाएगी मेरी दिल्ली में। भूखे लग रहे हैं, कुछ खाना वाना मंगाऊं आपके लिए? कुछ मिलता है आपको नौकरी मतलब? मैम बहुत बुरा हाल है, वीडियो के एंड में डालते हैं मेरे को हमेशा। हेलो दोस्तों, मैंने जैसा कहा था हमारे साथ आ गई रिचा, रिचा मैम। तो मैम सबसे पहले तो कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है? आप आए गेस्ट तो आते हैं। दोस्त यार उन्हें चलता रहता है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैम सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग 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 फैन ऑफ गुड्डू भैया। गुड्डू भैया? हाँ, तो आप जब मिले तो उनको प्लीज, हाँ ठीक है बता दें, जब मिलूंगी तो बता दूंगी। हाँ, तो बाकी कैंडी के बारे में बात करते हैं। शो है, एक पहाड़ी शहर है, उसमें कुछ कत्लेआम होने लगता है, तो वहाँ एक स्कूल टीचर है और जिसको लगता है कि उसको कुछ पता लगाना चाहिए, और वहाँ एक डीएसपी है पुलिस वाली जो मैं प्ले कर रही हूँ। जो शहर वाले, उनको लगता है कि किसी भूत या किसी पिशाच का हाथ है, खूनों जो कत्लेआम हो रहा है उसके पीछे, ऐसा है या नहीं ये आपको बाद में पता चलेगा। हमने मैम शुरू से देखा है कि आपने काफ़ी मतलब ऐसे राउडी रोल किए हैं। अच्छा। और आप दिल्ली से भी हैं, तो वो दिल्ली वाली बात आ जाती है? नहीं, ये तो इंडस्ट्री की स्टीरियोटाइपिंग होती है। देखो हम तो हर तरह के रोल कर लेते हैं, ऑडियंस को भी अच्छा लगता है कि आप ऐसे ही रोल्स करें, तो एक हद तक स्टीरियोटाइपिंग होती है। आप तो ठिठुर रहे हैं यार, शॉल वॉल मंगाऊं? नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं है। हाँ पहना, नीचे भी पहना, नीचे भी पहना। तो नर्वस हो रहा हूँ मैं यार ठंड में। दोस्त से मिला हूँ ना बहुत टाइम बाद। दोस्त? अच्छा। हाँ, मैंने पढ़ा कि आप कैरेक्टर के हिसाब से अपना परफ्यूम यूज करती हैं हर उसमें, तो आपको हेल्प होती होगी आई एम श्योर उससे। बिल्कुल होती है। तो मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि मतलब कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा लूजर है और मतलब कोई भाव नहीं देता, तो उसको कैसा परफ्यूम लगाना चाहिए? मतलब किसी और के लिए पूछ रहा हूँ, अपने लिए नहीं। अच्छा, कोई अगर ऐसा इंसान है तो उसको बस दिन में नहा ले और बगले अच्छे से साबुन से साफ कर ले, वही बहुत है। हाइजीन मेंटेन करे उतना बहुत है। तो मैम अब हमारी दोस्ती तो हो गई है। अच्छा। और आपने काफी इतना ज्यादा कॉन्टेंट किया है बीते दिनों में, आप देखती भी होंगी आई एम श्योर, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे अच्छे एक्टर के साथ काम किया आपने। तो कभी कोई अच्छा एक्टर चाहिए हो तो इनको बुला लो ना, आप आएंगे ना एक्टिंग करने। थैंक्स बड़ी, थैंक्स सो मच, ही इज ऑन माय साइड। आप अच्छा कर रहे हैं, गुड, यू आर गुड स्ट्रांग जर्नलिस्ट वन डे। ठीक है, मेरी सिफारिश कर दियो तुमने, किल कर दिया ना उधर, खट 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 सवाल। ठंड थोड़ी ज़्यादा है, कोई नर्वस वर्वस थोड़ी हो रहा था मैं, ऐसे ही कोई ठंड नहीं है, कोई नर्वस नहीं है। सही है बढ़िया, खाना लगाना एकदम बंदोबस्त देखना पड़ता है भाई अपने यार दोस्तों की फिल्म में। कल को यही बोलेंगे भाई राजेश तो आया, दो चार काम ही देख लेता, करना पड़ता है। आओ आ गया, सही आ गया। हाँ आज इससे पहले वो डांटे आ जाए। हाँ एक वीडियो ले रहा हूँ मेरा, ऐसे छोटा सा मतलब चलते आता है। अरे जाओ ना, आप जाओ ना। साहब यहाँ से लाइट के ट्रक हटवा, जितने भी लाइट के ट्रक है। हेलो हेलो, लाइट के ट्रक हटवा सारे। एक सेकेंड, आप ये इधर ही रूम में हो क्या? हाँ भाई रेडियो। हाँ यार एक छोटा सा काम था, बोलो। मतलब हाँ में भी डलवा दो यार शो में कैंडी। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, छोटा सा रूम कर लें कैंडी में। नहीं होता भाई तो मतलब अच्छा शूट कर ले, एडिट पे लगवा देना ऐसे। भैया ने आउट करो, कुछ ले देके कर लेते हैं। हो जाएगा ना अब तो। अरे भाई जल्दी 500 रुपये लेने दे। हेलो दोस्तों, फाइनली कैंडी प्लस नैनीताल व्लॉग खत्म होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नैनीताल आके तो मज़ा आता ही है। कैंडी की स्टार कास्ट के साथ टाइम बिता के, उनसे बातें करके, उनका शूट देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे नैनीताल में बर्फबारी भी देखने को मिल गई। थैंक यू गाइस। और ये कैंडी शो जिसका मैंने शूट देखा है और मैं इसके बारे में जानता हूँ, तो बहुत ही औसम शो होने वाला है। भूत पर ये शो जल्दी आएगा, तो प्लीज़ इसको देखें और आगे दोस्तों को बताएं। बाकी जेल दिखाऊँ तुमको, बर्फ भी पड़ रही है।